तो फ्रेंड्स एक और आ गई अपने पास में i20, जिसका मुंह कुचला हुआ है पूरा सामने से चारों तरफ से, और बुरी तरीके से उसका ग्लास भी टूट गया, गाड़ी पलट गई शायद, पता नहीं क्या हुआ। ये इसका बोनट पड़ा है दबा हुआ, ये डोर इसका गया और सनरूफ इसकी बच गई है। ख़तरनाक तरीके से एक्सीडेंट हुआ था, सनरूफ बच गई भाई इसकी। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, बनाते हैं, काम चलता है इसका भी। गाड़ी भयंकर तरीके से लग रखी है, काफ़ी ख़तरनाक तरीके से इसका जो है एक्सीडेंट हुआ था, गाड़ी पलट गई थी ये। और जैसा कि आप देख रहे हो फ्रंट का सामने सब डैमेज है ही इसका, और इसका विंड स्क्रीन हो गया और ऊपर रूप वगैरह हो गई, मतलब गाड़ी रिपेयरिंग में ज़्यादा है इसका। ये पड़े हैं इसके फेंडर निकले हुए, एक फेंडर की तो हालत बहुत ही बुरी हो गई है, लेफ्ट वाले की राइट वाला थोड़ा कम डैमेज हुआ है, और इंटीरियर में तो कुछ नहीं हुआ है, लेकिन फ़िलहाल इसका सामने से एसी कंडेंसर है वो ध्वस्त हो चुका है, एसी कंडेंसर की हालत ख़राब है। तो अभी इसमें हम क्या करने वाले हैं वो सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ, और लगभग डिग्गी बची है, और लगभग लगभग जो सभी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इसमें हो रखा है पहले से ही। ये i20 आई अपने पास में, इसमें अपन जो है करने वाले हैं, गाड़ी पूरी बुरी तरीके से डैमेज है और इसका बोनट, इसमें ज़्यादातर सारी चीज़ें हम रिपेयर करेंगे, चेंज करने के लिए इसमें सिर्फ एक बम्पर है इसका और कुछ नहीं है, बाकी का सारी चीज़ें हम इसमें रिपेयर करें, और गिलास इसका बम्पर और गिलास दो चीज़ें इसमें हम सिर्फ चेंज करेंगे, और बाकी सारी चीज़ें रिपेयर, जिस तरह से आप देख रहे हो इसकी फ्लोर की क्या हालत, सॉरी जिस तरह देख रहे हो आप इसका रूफ़ पैनल कितनी भयंकर तरीके से डैमेज हो चुका है, उसको भी अपन रिपेयर करने वाले हैं, बोनट को भी, और साथ ही साथ जो है इसके RH फ्रंट डोर को। आई थिंक ओवरऑल पूरी गाड़ी ही ये पेंट होगी, ठीक है, तो बने रहे वीडियो पे और लुत्फ़ उठाएँ, पूरी गाड़ी इसका रजिस्ट्रेशन का आप वीडियो देखेंगे।
M20 अपनी फाइनली पेंट होके तैयार लगभग हो ही चुकी है, पेंट हो चुका है इस पर, अभी रबिंग होना बाकी रह गई है जो बाद में पॉलिशिंग वगैरह का काम रहता है। बाकी पूरी गाड़ी पेंट कर दी है हमने पूरी तरीके से, ठीक है, इस कंप्लीट गाड़ी पेंट हो गई है। और लड़के लगे हैं इसमें, नाहिद भाई साहब, गाड़ी की इनर फिटिंग के लिए। इसमें सबसे पहले कंबल वगैरह बिछा दिया है उन्होंने, उसके बाद इसकी सीटें वीटें लगा के अंदर की सारी फिटिंग हो जाएगी। फिटिंग होने के बाद लास्ट में फाइनली इसका सबसे लास्ट में हम विंडशील्ड ग्लास लगाने वाले हैं, जैसा कि आप देख रहे हो अभी लगा हुआ नहीं है। और देखिए अपना ये सनरूफ जो प्रॉपर फिटिंग में बैठी हुई है, अंदर सीलिंग वगैरह सबकी प्रॉपर ड्राई क्लीन कर दी है हमने, जो काफ़ी गंदी हो रही थी अब ऐसी लग रही है जैसे कि नई खरीद के लगाई हो। और नाहिद लगा पड़ा है यहाँ पे, बहुत ही ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत कर रहा है इस गाड़ी में, ज़रूरत से ज़्यादा।